दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे होगे इसका साइज है 13x27। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 13x27 का मॉडल चाहिए, तो उनके कहने पर मैंने ये आज डिजाइन बनाया है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 13 फिट है और लंबाई की बात करें तो 27 फिट है, तो काफी स्मॉल हाउस प्लान है दोस्तों ये, और आपको बेहतरीन सा डिजाइन दिख रहा होगा, टॉप व्यू आपको ऐसा दिखने वाला है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे ऐसा ये मैंने डिजाइनिंग दी है जो आप देख पा रहे होंगे विंडो कलर का, जो विंडो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर पे, तो उसी कलर का मैंने आपको ये डिजाइन दिया है। आपका मेन गेट यहाँ पर ये है और उसके वेंटिलेशन के लिए एक यहाँ पर विंडो दी है। डिस्कस करें तो दोस्तों उसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आज हम दोनों डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में लगातार। अगर आपको डिजाइन पसंद आए प्लीज को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान नाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सर बहुत सारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं अलग अलग साइज के, वो आप देख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। एक न्यूटेक नाम का फेसबुक पेज भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करें। और तो चलो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं मॉडल। सबसे पहले मैं हमेशा एक तरीके से इसको करूंगा ट्रांसपेरेंट, जैसा कि मैं हमेशा एक तरह ट्रांसपेरेंट करके पहले मॉडल को दिखाता हूँ। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट मॉडल देखते हैं तो देखिएगा आपको ये मॉडल दिखने वाला है ट्रांसपेरेंसी में, ये पूरा आपको दिखेगा अंदर से लेकर बाहर तक, पूरा टॉप व्यू आप देख सकते हो, ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा ट्रांसपेरेंट में, और सभी देखिएगा आप बिल्कुल आपको सब कुछ अंदर तक दिखने वाला होता है, तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो इसका आज हम ट्रांसपेरेंसी हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और इसके बाद में आपको एक बाई एक आपको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ले चलूंगा मैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो ग्राउंड फ्लोर फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला है, ये आपका डिजाइनिंग है केवल दोस्तों और कुछ भी नहीं है, और ये आपका मेन डोर है, उसके ऊपर एक ये विंडो लगाया है मैंने वेंटिलेशन के लिए। जैसे आप मेन डोर से एंटर करते हैं तो आप आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं लास्ट में एक बेडरूम दिया है, देखिएगा बेडरूम का साइज अगर आपको जानना है दोस्तों, पूरा किचन का साइज, बाथरूम का साइज अगर आपको जानना है तो आपको आ जाना है हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है smallhouseplan.com। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट साइज मिल जाएगा पूरा मॉडल का, कितने बाई कितने का साइज है, मॉडल का इमेज भी मिल जाएगा दोनों फ्लोर के, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों, आप यहाँ जरूर विजिट करें और साइज जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे हम आते हैं इस वाले बेडरूम में, तो मेन डोर आपका ये है, उसके ऊपर एक विंडो है, और ये एक विंडो मेन विंडो आपका है और उसके ऊपर विंडो। वेंटिलेशन के लिए मैंने ज्यादा विंडो दी है क्योंकि आपको सफोकेशन ना हो अंदर, क्योंकि स्मॉल एरिया है और आपको सारी चीजें यहीं पर एडजस्ट करनी है। अगर हम बात करें दोस्तों इस वाले की, तो ये आपका किचन है, इसके किचन का मेन डोर यहाँ पर दे रखा है मैंने, ये किचन आपका बना रखा है मैंने, और एक विंडो भी बाहर से दे रखा है जिसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो आपको। अगर हम बात करें राउंडेड की, ये राउंड राउंड आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों है आपका बाथरूम एंड लेटरिन एंड बाथरूम, मैंने राउंड इस वजह से यहाँ पर दिया, इसका रीजन ये दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं दोस्तों कॉर्नर वाला देता तो यहाँ पर आपका जो बीच में जगह है ना ये बहुत ही कम बच रहा था, आपको निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती, तो अगर आप राउंडेड यहाँ पर डिजाइन देंगे थोड़ा ऐसा, जो आपका कॉर्नर निकलेगा उसको अगर आप खत्म करना चाहेंगे तो राउंडेड बन जाएगा और आपका लेटरिन बाथरूम दोनों एक साथ ही बन जाएगा इस कोने में, क्योंकि एरिया बहुत ही कम है तो आपको बहुत चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी दोस्तों। 13 फिट कुछ खास जगह नहीं होता, 13 फिट का एक रूम होता है, ठीक है। इसके साथ आपको स्टेयर्स भी यहाँ पर देनी है, तो मैंने ये स्टेयर्स दी, आप यहाँ चढ़ेंगे और यहाँ पर लगभग 12 फीट में स्टेयर्स है, 12 फीट में आराम से स्टेयर्स कुछ भी हो चढ़ जाता है ऊपर। तो ये पूरा आपका वेल डिजाइंड आपका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर हो गया, जो मैंने आपको डिस्कस किया, आपके एक आपके पास एक रूम भी है, किचन एंड बाथरूम भी है, और किचन और आपका पूरा है, और लेटरिन एंड बाथरूम है, लेटरिन एंड बाथरूम, तो पूरा डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये मॉडल कैसा लग रहा है आप मुझे लाइक जरूर किया करें प्लीज, मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी लोगों के लिए अगर आप मुझे लाइक करते हैं। और चलो इसका हम डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं तो सबसे पहले फ्रंट में डिस्कस करूंगा, ये केवल डिजाइनिंग है, ये आपका मैंने ग्लासेस लगा दिए हैं विंडो, इस इवेंट अगर आप कभी ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे, स्टेयर्स ये थी आप ऊपर आ गए, तो सेम टू सेम बेडरूम पीछे आपको मिल जाता है जैसा कि ग्राउंड फ्लोर पर था। और यहाँ पर मैंने जो अभी आपका बना था यहाँ पे बना था आपका किचन, तो मैंने हटा दिया, तो ओपन एरिया हो जाएगा, यहाँ पर आप सोफा या कुछ भी ओपन एरिया रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लगभग 12 फिट है, बहुत ही जगह होती है। अगर हम बात करें फ्रंट में, तो मैंने 2.5 फिट आगे बढ़ा दिया है, और ये आपका एक बेडरूम मतलब रूम एक निकाल दिया है छोटा सा, ज्यादा को तो नहीं, 8 फिट चौड़ाई है अप्रॉक्स, आप एग्जैक्ट साइज वेबसाइट पर देख लेंगे दोस्तों, 8 फिट चौड़ाई है लगभग, और अगर
लंबाई सॉरी चौड़ाई है 13, और लगभग 13.5 फिट, और ये लंबाई की बात करें 8 फिट है, तभी 8 फिट का पर्याप्त रूम एक हो जाता है। और आपको इसमें मेन डोर दिया, मेन डोर ये दिया यहाँ से इंटर करने के लिए। तो ये पूरा डिजाइन था जो मैंने आपको डिस्कस किया 13x27 फिट में, बहुत ही स्मॉल एरिया होता है दोस्तों। अब आपको ले चलते हैं टॉप फ्लोर पर, मतलब कि सेकंड फ्लोर पर। यहाँ मैंने कुछ भी डिजाइन नहीं किया, सिर्फ स्टेयर से जो आई है मैंने उसको ढक दिया है, और आपका रेलिंग लगा दिया है फ्रंट से। तो ये पूरा सिंपल सा डिजाइन था 13x27 का। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था 13x27 का मॉडल चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर मैंने डिस्कस किया है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपका मॉडल तैयार करें तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं साथ ही साथ आपका मॉडल जरूर तैयार करूंगा। देखिए दोस्तों कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, 100-150 कमेंट्स हो जाते हैं, तो मैं सबके तो डिजाइन नहीं कर सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं रैंडम किसी एक का चूज करता हूँ और जरूर डिजाइन करता हूँ उनका एरिया। तो आप ऐसा मत बोलें कि सर मेरा नहीं डिजाइन करते हैं आप मेरा, क्योंकि देखिए सारी चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं किसी एक का जरूर डिजाइन करूंगा। आप कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन